फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डाइट ही होती है कि अपनी डाइट बिल्कुल साफ़ सुथरी रखो, और जब आप बाइसेप्स आपको गेन करना है तो ओनली थोड़ा वेट हैवी एंड रेप्स कम, बस बाइसेप्स को पंप करो और थोड़ा पेन हो। क्लीन डाइट रखिए बिल्कुल, अपना दो लोगों को देख के होड़ा होड़ी मत करो कि उसका इतना है तो मैं भी ये ले लूँ, मैं भी वो ले लूँ। सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी का कुछ। तो अपना डाइट क्लीन रखो और बस वर्कआउट अपना करते जाओ, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा ही। मतलब बॉडी एक खाली बाइसेप से नहीं बनती, और बॉडी खाली एक चेस्ट से नहीं बनती, पूरी बॉडी कंप्लीट होती है तो हम उसे बॉडी कहते हैं। किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो, तो हम उसे बॉडी नहीं कह सकते। पूरी एक प्रॉपर बॉडी अगर आप तैयार कर रहे हो तो हम उसे बॉडी कहेंगे। खाली आर्म्स को मैं बॉडी नहीं मानता, किसी का आर्म्स है, किसी की लेग्स है, कोई कंप्लीट बॉडी होती है तो मैं उसे बॉडी बोलता हूँ। यहाँ बंदे की बॉडी है, मेरी नज़र में वो है बॉडी। सोच है कि स्टेरॉइड मार दिया बॉडी बनेगी, अरे भाई हमसे पूछो डाइटिंग में सोई सोई कितने दिन हो जाते हैं। रात को ये हाल होता है कि बेड पर तो 11 बजे होते हैं पर आँख सुबह 4 बजे तक नहीं लगती, बस खाली एक बेड पर लेटे रहो, देखते रहो, एक बल्ब जल रहा है उसे देखते रहो कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ऐसा ही होता है कि आप सॉल्ट बंद कर देते हो तो इनफैक्ट बॉडी में सोडियम की कमी होगी तो नींद आपको आनी नहीं है, उससे हमारी नींद भी खत्म ख़राब होती है। फिर सबसे पहले होता है कि 3 घंटे की नींद हुई, फ़ोन में अलार्म लगा हुआ था 6 बजे का, उठ के फिर अपना फ्रेश व्रेश, नहाना धोना, फिर सुबह जिम जाओ, जिम जाना, फिर वही डाइट अपने पूरी देखनी पड़ती है। लोग तो बोल देते हैं स्टेरॉइड मार के बॉडी बनाई है। शुरू से शौक नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था मैं जिम जाऊंगा, ये करूंगा। मेरे पापा हैं जो, उनको बहुत शौक था इस चीज़ का, बॉडी जा जिम ये वो कर, नहीं था शौक मुझे। पहले उन्होंने लात मार के भाई भेज देते थे सुबह जा रनिंग करके आ, मैं जाता नीचे अपना दूसरे वाले रूम में सो जाता चल रहा, उन्होंने कैसे चलता रहा 1.5 महीने चलता रहा। फिर साथ वाले लड़के थे जो, मतलब मुझसे बड़े वाले भाई हैं मेरे रोहित, उन्होंने जिम शुरू करी, उनको देख के लगा कि यार बॉडी है अच्छा खासा, बंदा ठीक ठाक घूम रहा है, तो जिम जाने लगा। मैं जाने लगा 5-6 महीने तक, कुछ नहीं हुआ, अपना बोला अंडे खाइए खाओ, खाते रहे। फिर बोला कि हाँ भाई अपना स्कूल टाइम में अपना तू जा रहा तो डाइट लेके जा। पहले था मेरा सपना कि बॉडी बनानी है बिल्कुल बल्की वाली, पब्लिक को डराने की नहीं था। फिर कोई अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं मिला, फिर मुझे एक बंदे ने एक से मिलाया कि भाई एक बंदा है उसे पर्सनल पीटी ले, बॉडी बन जाएगी। मैंने चल भाई लेते हैं पर्सनल पीटी। जब मैं 17 का था फिर उसने मुझे बोले 10,000 रुपये पर्सनल पीटी के, आज से 4 साल पहले। मैंने घर से झूठ बोल बाल के कैसे घर से करके 6 महीने तक उसे दिए, उनके लिए टीन के भी अलग से 10-12 हज़ार रुपये थे जो मैं उसे देता था। बॉडी में 1% रिजल्ट नहीं, आप रिजल्ट कहाँ से आए, मैं 4 बजे जिम में बैठा हूँ वो 5 बजे आ रहा है, कभी आ रहा है नहीं आ रहा, फ़ोन पे एक्सरसाइज बता रहा है। मैं जब भी उसे 10,000 देता गया कि चल कोई तगड़ा था भाई वो, मैं उसकी बॉडी के 10,000 दे रहा था, फिर उससे भी सारा छूट गया। फिर मैंने 19-20 की एज में मैंने अपना जिम खोला अपने बड़े भाई के साथ, तो वहाँ पे एक बंदा है वो मुझे लेके गया टाइगर संदीप बैसोया के पास। मैं पहले भाई के मिलने की मतलब शुरू से इच्छा थी उनसे, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया कैसे कैसे करके। फिर एक दिन वो जो ट्रेनर है मेरा, ट्रेनर था जिम का, उसकी कोई रिश्तेदार था, रिश्तेदार थे भैया, उनकी चलो ठीक है भाई करते हैं, हम उनके घर पहुँच गए। भाई ने मोटा शेड्यूल चार्ट बना के दे दिया, क्योंकि बोलते उनके पास ज़्यादातर ना ऐसी हवाएं आती रहती हैं, कोई भी आया चार्ट बना के ले गया, कोई भी आया ले गया, तो भाई ने सोचा ये भी ऐसी है, उन्होंने बना के चार्ट दे दिया। उन्हें नहीं पता था दिमाग में कुछ अलग ही घुसा हुआ है अलग ही करना है कुछ। तो 2-3 महीने भाई ने बोली भाई तू वेडनेसडे सैटरडे आएगा यहाँ पर एक्सरसाइज करेगा मेरे पास। मैंने ठीक है भाई, मेरा हालांकि खुद का जिम था, मैंने ठीक है भाई मैं आऊँगा एक्सरसाइज करने। घर से दिल्ली जाता था मैं डेली एक्सरसाइज करने, हालांकि अब भी जाता ही हूँ, जाता गया तब तो बोले 6 के 6 दिन वही है। तो भाई ने पहले चार्ट बना के दिया, डाइट लिखी, उन्होंने बहुत अच्छी समझाया कि कभी तुझे ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करियो,
लाइक उन्होंने ऐसा मेरे साथ नहीं किया कि मुझे बॉटल दी उससे नेम हटा दिया, प्रोटीन दिया उससे नेम हटा दिया, उन्होंने सीधा एक पेन लिया पकड़ा और सब लिख दिया कि भाई तू ले सकता है तू ले ले, तुझे ना मिले तो मुझे दे, मुझे बोल दियो मैं मंगा दूँ। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं। उनके पास हुए 4 महीने, मेरा बॉडी वेट जल्दी से जल्दी 10 से 12 किलो बढ़ गया, 90 किलो का गया था मैं, 104 हो गया मेरा 3.5 महीने में। तो उस जिम में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जिम में जो कॉम्पिटिशन्स खेलते थे, उन्हें देख के मुझे लगा यार क्या रखा है ड्रावनी बॉडी में, यानी कि इनको देख के करता हूँ कुछ। मैंने भाई को बोला भाई डाइटिंग पे डाल दो मुझे, अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं करना नहीं जाते तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत टैबलेट से तो बिल्कुल दूरी रही, सीधा हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है, टैबलेट्स वगैरह से सीधा दूर रही है। और अच्छे अगर आप अच्छी फिजिक चाहते हो, अच्छी बॉडी फिटनेस चाहते हो, तो फिटनेस के लिए आपका जिम और डाइट प्लस ये दोनों चीज़ें।